अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 5 अगस्त से देश की सबसे बड़ी अदालत देश के सबसे पुराने केस की रोजाना सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस सुनवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। अदालत में वकीलों की दलील और जजों के सवाल भी सुर्खियां बन रहे हैं। लेकिन दिल्ली में चल रही अदालत की इस कार्रवाई के बीच जयपुर राजघराने के एक दावे से इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। क्या है जयपुर राजघराने का अयोध्या से कनेक्शन? कैसे पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी ने भगवान श्री राम से जोड़ा जयपुर राजघराने का रिश्ता? बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं अदालत का वो सवाल जिससे इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। 9 अगस्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामलला के वकील से पूछा था, क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है? अदालत के सवाल पर रामलला के वकील ने कहा था, हमें जानकारी नहीं। रामलला की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे वकील को भले ही भगवान श्री राम के वंशजों की जानकारी ना हो, लेकिन जयपुर राजघराने की वारिस दिया कुमारी ने दावा ठोक दिया है कि उनका परिवार भगवान श्री राम का वंशज है। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये सवाल आया था कि श्री राम के वंशज हैं या नहीं पूरे विश्व में, तो मैंने अपनी तरफ से ये ट्वीट किया कि मैं और मेरा परिवार, हम भी श्री राम जी के कुछ जो उनके बेटे थे उनके वंशज हैं, और हमारे अलावा भी विश्व में बहुत सारे और भी हैं जो श्री राम जी के वंशज हैं। दिया कुमारी के मुताबिक उनका परिवार भगवान श्री राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर पड़े ख्यात कुशवाहा वंश के वंशज हैं, और ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जयपुर राजघराने की पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए कई सबूत भी पेश किए हैं। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई है जिसमें भगवान श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों के नाम क्रमवार दर्ज हैं। इसी में 289वें वंशज के रूप में सवाई जयसिंह और 307वें वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा है। इसके अलावा पोथी खाने के नक्शे भी हैं। मैं तो बचपन से सुनती आ रही हूँ कछावा कुशवाहा। अगर आप इसको विकिपीडिया में भी जाएंगे और कछावा टाइप करेंगे तो सीधा उसमें ही आ जाता है कि कहाँ से इनकी वंशावली आई है। और इसके अलावा भी जो हमारा क्लैन है वो हम लोग हमारा जो ट्रेस करते हैं डिसेंट वो श्री राम जी से ही करते हैं, और उसकी जो भी दस्तावेज है पोथी खाने में भी मौजूद है, मेरे म्यूजियम में भी है, और उसी बेसिस पे मैंने ये बात कही। केवल जयपुर राजघराने की बात नहीं है, गुरु नानक जी भी कहते थे कि हम राम के वंशज हैं। तो एक बात तो ये स्थापित होती है कि इतिहास इसको नकारता नहीं है, ये केवल वामपंथी और कांग्रेसियों ने मिल करके भगवान राम को नकारा था। दिया कुमारी के दावों को माने तो अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम जन्म स्थान उनके पूर्वज सवाई जयसिंह द्वितीय के अधीन ही थे। 1776 के एक हुक्म में लिखा था कि जयसिंहपुरा की भूमि कछवाहा के अधिकार में है। सवाई जयसिंह ने 1717 में अयोध्या में मंदिर भी बनवाया था, साथ ही सरयू नदी जहां श्री राम ने समाधि ली थी वहाँ पूजा भी कराई थी। जयपुर राज परिवार अयोध्या केस में पक्षकार नहीं बनना चाहता। राज परिवार का मानना है कि भगवान श्री राम के वंशज दुनिया भर में फैले हैं, जिसमें उनका परिवार भी शामिल है। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो वो सारे सबूत अदालत के सामने जरूर रखेंगे। अगर कोर्ट हमसे मांगेगी तो डेफिनेटली देंगे, लेकिन हम आगे से मैं इसमें नहीं जाना चाहती, और ये जो प्रोसीडिंग्स हैं मैंने जैसे कहा कि हम लोग इसमें इंटरफेयर भी नहीं करना चाहते, और अगर इंटरफेयर ही करना हो तो पहले ही करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान श्री राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं। आज सवाल श्री राम के वंशजों का नहीं बल्कि अयोध्या में राम मंदिर का है। लेकिन जिस तरह पहली बार किसी ने भगवान श्री राम के वंशज होने का दावा किया है वो चौंकाने वाला है। अब देखना ये है कि कोर्ट इस दावे को किस तरह से देखता है। जयपुर से मनोज माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।